आज हम बनाएंगे चावल के आटे की बर्फी। और ये बर्फी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है बनाना, घर के सामान से बन जाता है। चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया और पैन में मैंने ऐड कर दिया ये 1 कप राइस फ्लोर, चावल का आटा है ये। अभी हम इस आटे को भून लेंगे। भूनने के लिए हमने गैस ऑन कर लिया है और लो फ्लेम में इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। और इस तरह से लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और इससे बहुत अच्छा खुशबू आने आने लगे, और तब तक भूनना है और कलर भी चेंज हो जाएगा, तब हम इसको गैस बंद कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका कलर, चावल के आटे का कलर चेंज हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और दूसरे प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आटा हमारा दानेदार हो गया है। अभी हम उसी पैन को यूज़ करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे ये 2.5 कप मिल्क। ये 2 कप है और 1/2 कप इसमें डालूंगी। और ये मिल्क मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप अगर टोन्ड मिल्क लेंगे तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसका मात्रा बढ़ा दीजिए। अभी हम चीनी डाल देंगे। चीनी हमने 1 कप डाला है, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने मिल्क पाउडर डाला है 1/2 कप। और अगर आप टोन मिल्क लेंगे तो इसमें और थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कीजिए। और इसको लगातार चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें लम्स ना रहे, इस तरह से। और अभी हम इसको बॉईल करेंगे। अभी हमने बॉईल करना है मिल्क को, और मिल्क हमने गैस के ऊपर रख दिया है और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो तले में लग जाएगा। और इस तरह से मलाई भी हटाते रहेंगे। ये दूध उबल गया है और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है पहले से। मिल्क और पाउडर मिल्क, मिल्क और इसके साथ हमने चीनी मिलाया है। इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। और इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से मिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। और इसके बाद खुशबू के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। आप इलायची कूट करके भी डाल सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आने के लिए हमने 1 टेबल स्पून घी डाला है, और घी को भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मिठाई बनाया है तो घी तो थोड़ा सा डालना बनता ही है। और ये उबलने लग गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर देंगे, और थोड़े थोड़े जो भून के रखा था चावल का आटा, इसको हम एक हाथ से डालते जाएंगे, एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे। थोड़े थोड़े करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। इस तरह से हम थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और कुक भी हो गया है। ये देखिए, ये आटा हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया सारे इंग्रेडिएंट के साथ। अभी गैस बंद कर देंगे, प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। बर्फी जमाने के लिए एक प्लेट हम ग्रीस करके रख लिया था पहले ही। और इस तरह से हम जो इंग्रेडिएंट है, मिश्रण बनाया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हाथ से अच्छे से जमा देंगे। ये थोड़ा थोड़ा गरम गरम ही जमाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल लतपत सा मिश्रण नहीं बनाया। ये देखिए, मैंने हाथ से इस तरह से करके इसको इस तरह से हमने जमा दिया है। और ये बर्फी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, सारे तरफ से एक समान कर दिया। मिश्रण को तो हमने जमा लिया है, अभी हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर काट करेंगे। मिश्रण हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है 1.5 घंटे के बाद, और हम इसको अभी काट कर लेंगे, अपने मनपसंद आकार में काट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी हुई है, और ये आपको नाइफ को देख के पता लग जाएगा कितना अच्छे से कट हो रहे हैं।
तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। यह हमने कट कर लिया है, अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। ड्राई फ्रूट मैंने बादाम लिया है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो इसके बगैर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास में लेके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा बर्फी बना हुआ है, ये तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया बर्फी बन के तैयार है, और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बर्फी है। और आप कह नहीं सकते, ये चावल के आटे से बना हुआ है, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी बर्फी है। आप इस रेसिपी को इस फेस्टिव सीजन में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।